दोस्तों, जो लोग शराब पीने के शौकीन होते हैं, उन्हें शराब हर वक्त पीने का बहाना चाहिए होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि किन बीमारियों में शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ अंत तक। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नंबर 1, यदि आपको किसी भी तरीके का घाव है या चोट लगी हो, चाहे वह खुली हो या फिर बंद हो, कहने का मतलब यह है कि कई बार सूजन जैसी चोट लगती है या कई बार आपको कोई कट इत्यादि लग जाता है, ऐसी स्थिति में अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको चोट ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। नंबर 2, यदि किसी प्रकार की दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो भी शराब के सेवन को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, अन्यथा यह आपकी जान भी ले सकती है। नंबर 3, गर्भवती महिलाओं को शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि गर्भवती महिलाएं शराब का सेवन करती हैं तो यह उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर असर करता है और बच्चे को जन्म के बाद कई दोष हो सकते हैं या बच्चे का गर्भपात भी हो सकता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को शराब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 4, यदि आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं तो भी आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, HIV, दमा, बवासीर, कोलेस्ट्रोल, शुगर इत्यादि बीमारियों में भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। नंबर 5, ऐसी महिलाएं जो गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल बहुत अधिक करती हैं, उन्हें भी शराब का सेवन से बचना चाहिए। नंबर 6, जो लोग जिम जाते हैं या हैवी वर्कआउट के साथ कोई सप्लीमेंट जैसे चीजों का सेवन करते हैं तो उन्हें भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, और यदि शराब का सेवन करना भी हो तो डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा।